किसी के जान माल की घटना ना हो, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ के निगम प्रशासन को महेश जी भी बात किए, वर्मा जी हमारे अध्यक्ष और BSP प्रधान को, और वहाँ से समय रहते यहाँ पे सारे फायर ब्रिगेड आ गए। फिलहाल एरिया है और आप बड़ी खबर देख रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर आग लग चुकी है एक केमिकल फैक्ट्री पर। एक टैंकर था जिसमें केमिकल रखा हुआ था और टैंकर में आग लगी और आग इतनी फैल गई कि आप देख सकते हैं दूर से यहाँ पर धमाके दिख रहे हैं आपको, आग की बड़ी लपटें दिख रही हैं। फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी है, केवल दूर अग्निशमन ही नहीं बल्कि ACC की जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो भी यहाँ पहुंची है, निगम की टीम भी पहुंची है। तमाम गाड़ियां यहाँ पर एक के बाद एक पहुंच रही है और पुलिस ने पूरे एरिया को घेराबंदी करके रखा है क्योंकि जो ब्लास्ट है वो काफी बड़े है और यहाँ का क्योंकि जो खतरा है वो काफी बड़ा खतरा है। और देख सकते हैं जो आग है इतनी भयानक है कि अभी इस पर काबू पाया जा सके नहीं जाएगा, कुछ अभी पता नहीं चल पा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पीछे जो पूरा नजारा है आप देखिए, वो बड़े बड़े जो ब्लास्ट लगातार हो रहे हैं। इंडस्ट्री एरिया है, पूरा एरिया जो है यहाँ पर केमिकल फैक्ट्रियों का इस तरह एरिया है कि यहाँ पर एक अगर आग लगती है तो अगल बगल की बाकी फैक्ट्रियों को भी खतरा पूरा बना रहता है। आग की खबरें सुनकर के यहाँ पर सारे जनप्रतिनिधि पहुंचे, महापौर नीरज पाल जी हैं। भैया बड़ी आग है, किस कैसी व्यवस्था आप लोग ने भी क्या यहाँ पर मदद के लिए की है? देखिए जब हम लोग कैंप 2 में चुनावी एक बैठक में थे वहाँ फोन से जानकारी मिली कि छावनी में इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में आग लग गई, तत्काल हम लोग यहाँ पहुंचे। उस समय बहुत भयावह आग थी, मैंने तत्काल कलेक्टर महोदय से बात की, कमिश्नर साहब से बात की और BSP प्रशासन में भी बात करके तुरंत फायर ब्रिगेड जो है माननीय कलेक्टर महोदय ने जिला प्रशासन के माध्यम से यहाँ तत्काल व्यवस्था कराई क्योंकि आग बहुत भयावह है। लेकिन अभी तक के सुखद बात यह है कि कोई भी जनहानि या कोई भी इस तरह की घटना नहीं हुई और ये उम्मीद है कि बहुत जल्दी आग अब नियंत्रित हो जाएगी। पूरा जिला प्रशासन BSP प्रशासन लगा हुआ है। आग जलने की घटना को लेकर के सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए, पूरा शहर इस बात की चिंता कर रहा है कि कब आग पर काबू पाया जाएगा। मनीष जी साथ में राम जन्मोत्सव समिति से, आप लोग भी कार्यक्रम में थे, कार्यक्रम छोड़ के यहाँ पहुंचे हुए? जी जी, अभी जानकारी मिली यहाँ पर कि छावनी में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है और उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं और अभी फायर ब्रिगेड और सभी व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की जा रही है और उसी में हम लोग भी है कि सब लोग सहयोग करें और किसी के जान माल की घटना ना हो, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सांसद विजय बघेल जी पहुंचे हुए, भैया बड़ी घटना हुई है, आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं अभी? देखिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं और सभी लोग लगे हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, इसमें सभी लोग लगे हैं। स्थानीय पार्षद वीणा चंद्राकर जी, गिरजा बंछोर जी लगातार हम लोग को फोन करती रही, हम तो कार्यक्रम में थे, जैसे ही जानकारी लगी हम लोग, मैं कलेक्टर को, SP को और यहाँ के निगम प्रशासन को, महेश जी भी बात किए, वर्मा जी हमारे अध्यक्ष और BSP प्रधान को, और वहाँ से समय रहते यहाँ पे सारे फायर ब्रिगेड आ गए, दोनों तरफ से फायर ब्रिगेड आए, हमारे नीरज पाल जी भी, महापौर जी भी आ चुके हैं, सब अपनी जागरूकता का परिचय दे रहे हैं, सभी जनप्रतिनिधि लगे हैं और प्रशासन भी उसी चुस्ती से लगी है। अब घटना है, घटना हो गई, क्यों हुई, क्या कैसे हुआ, कंट्रोल होने के बाद ही पता चलेगा। पीछे जो बस्ती है उसको वहाँ से समझाइश देकर उनको दूर ले जाया गया है ताकि जान माल की कोई हानि ना हो, अंदर भी कुछ लोग थे उनको भी बाहर निकाल दिया गया है, ऐसी जानकारी लगी है, बाकी तो कंट्रोल होने के बाद पता चलेगा। के कारण क्या है, कैसे आग लगी यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो केमिकल फैक्ट्री के बगल के जो बस्ती है बस्ती को भी खाली करा दिया गया है। आप मेरे इस साइड देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोगों की जो भीड़ लगी है देखने के लिए, क्योंकि ये जो आग है बहुत बड़ी आग है, जिस तरीके से यहाँ पर BSP, नगर प्रशासन, नगर निगम, अग्निशमन, सब दमकल विभाग, हर टाइप के यहाँ पर जितने भी यहाँ पर अग्निशमन के रिलेटेड जितने भी अलग अलग एजेंसी है सब यहाँ पर आ चुकी है और जिस तरह कलेक्टर ने खुद संज्ञान में लेकर के सारी व्यवस्थाएं की है और सारे जनप्रतिनिधि भी इस ऐसी घटना में सारे कांग्रेस भाजपा के लोग भी एक होकर के यहाँ पर इस घड़ी में सब एक साथ होकर के इस आगजनी की घटना है वो तत्काल जो है कंट्रोल कैसे किया जाए उस पर चर्चा कर रहे हैं। MSME के उपाध्यक्ष और पूर्व SLED अध्यक्ष रह चुके अरविंदर खुराना हमारे साथ हैं। भैया फैक्ट्रियों में लगातार आग लगती है, आप लोगों ने कुछ मांग रखी इस प्रशासन के सामने में? ये बहुत हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि गर्मियों के मौसम में यहाँ पे निरंतर अपने इंडस्ट्रियल स्टेट में आग लगती ही लगती है। हमने बहुत टाइम से यहाँ पे एक डिमांड की कि बहुत आसपास में फायर स्टेशन जरूर है
जिससे कभी ये आग लगे तो इमीडिएट फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंच सके और आग पे निरंतर काबू किया जा सके। पर यह मांग हमारी अधूरी रह गई, हमने पिछले 4-5 साल से हम ये डिमांड कर रहे थे पर ये नहीं हुई, और हम आगे भी सरकार से अनुरोध करेंगे कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल इस्टेट में पास में ही एक फायर स्टेशन जरूर दें, जिससे अगर कभी कोई, हालांकि ये नहीं होना चाहिए, पर अगर कहीं ये आए ऐसी चीज तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड्स पहुंच के यहाँ पे आग पे काबू पा सके और जो नुकसान है वो कम से कम हो, और वैसे तो ना हो लेकिन अगर कुछ ऐसी अनहोनी हो तो कम से कम नुकसान में भरपाई हो सके। सर है सर, यहाँ पे जो आग लगी है अभी क्या स्थिति है, यहाँ पर कितना कंट्रोल हो पाया है? शुरुआती स्थिति में जो आग की स्थिति थी काफी एक्सप्लोसिव था और एक्सप्लोड हो रहा था, उसकी तुलना में उसकी बनिस्बत अगर देखा जाए तो आग अभी कंट्रोल है, लेकिन कुछ मात्रा में जो है आग अभी भी फैलने की स्थिति में है, जिसके कारण अभी दमकल की गाड़ियां लगातार उसमें प्रयासरत हैं, कार्य कर रही है। यहाँ पे भीड़ को देखते हुए पुलिस बल भी भारी संख्या में लगाया गया, किस तरह की व्यवस्था संभाल रहे आप लोग? एक्चुअली पुलिस बल को इसलिए यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था क्योंकि जो एरिया है उसका दायरा, अगर आग का दायरा बढ़ेगा और कुछ सिलेंडर अगर फट करके बाहर आएगा उसके अगर जद में अगर कोई आम आदमी आता है तो उसमें जान और माल का नुकसान होने की संभावना बनी पड़ती है। ये जो कंपनी है वो इसके एक क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है और ठीक इसके सामने में एक रिहायशी एरिया पड़ता है, क्योंकि लोगों की संख्या थी और दर्शक बन करके लोग खड़े हुए थे, इसलिए उनको हिदायत दी गई थी कि आप सेफ डिस्टेंस बनाकर चले और प्रशासन का सहयोग करें, और सारी चीजें भी यहाँ पर व्यवस्थित की जा रही है। कोमल धनेसर, IBC24, भिलाई।